संघी भाजपाई अहंकार कर गया देश का बंटाधार। राहुल गांधी 2014 से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता के भोजन के अधिकार को कुचला जा रहा है। भोजन के अधिकार की बात की और 15 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाला, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, इतिहास में नहीं हुआ पहले। 15 करोड़ लोग गरीबी से निकाले, और जब हम ये काम करते हैं तो बीजेपी के नेता कहते हैं भैया पैसा जाया हो। पर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया। अब यूएनओ भी राहुल गांधी की बात लिखित रूप में बोल रहा है। यूएनओ की रिपोर्ट भारत की भुखमरी पर, 2014 से 16 तक 27.8% जनता खाद्य असुरक्षा से पीड़ित थी। 2017 से 19 में ये बढ़कर 31.6% हो गया। 2014 से 16 में ये संख्या थी 42.65 करोड़। 2017 से 19 में ये संख्या 48.86 करोड़ हो गई। मुझे अच्छे से याद है कि राहुल गांधी ने इन बातों को 2015 से 19 तक लगातार बोला। राहुल गांधी को बोलने का हक इसलिए है क्योंकि यूपीए ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया था। 2014 से 19 के बीच पर कैपिटा भोजन कैलोरी सब घट गया। सरकार ने ये आंकड़ा देना भी बंद कर दिया कि देश में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न कितना उपलब्ध है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नीचे है। यूएनओ ने भुखमरी के कारण भी बताए हैं, भारत में भयानक आर्थिक और कृषि संकट, नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार का संकट, भारत में देशी विदेशी निवेश का नहीं होना। अगर आप पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए तो समझिए कि मोदी ने आते ही गरीबों का भोजन छीना और ये संकट नोटबंदी और जीएसटी के कारण अपने चरम पर पहुंच गया। इसमें कहीं भी कोरोना का उल्लेख नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद के हालात कितने भयावह हैं ये आप खुद समझिए। एक दरिंदे की दरिंदगी ने कैसा कहर ढाया है ये अकल्पनीय है। फूड सिक्योरिटी एक्ट पास करवाते वक्त श्रीमती सोनिया गांधी की तबीयत संसद में बिगड़ गई थी। संघी गैंग ने मजाक उड़ाया था। आज जनता भुखमरी का शिकार है और जीवन एक मजाक बनकर रह गया है।